देखिए, बदलाव तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि आप पूछते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में स्पेसिफिक क्या साइबर के ऑफेंसेस बढ़ गए हैं। हाँ, इसका अर्थ यह है कि थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से जो लोग घर में रहते हैं वो तो नेचुरली एंटरटेनमेंट के लिए या अपने खुद के काम के लिए इंटरनेट पे ज़्यादा रहते हैं। काम हो जाने के बाद एंटरटेनमेंट के लिए नेचुरली वो लोग जो है वो सोशल मीडिया पे आते ही हैं, और सोशल मीडिया पे आने के बाद जितने भी कुछ उन लोगों को प्राप्त मैसेजेस है, वो मैसेजेस पढ़ने के बाद उसकी रियलिटी क्या है, वो सच है या झूठ है, वो अफवाहें हैं या वो जो मैसेज आपने को प्राप्त हुआ है उसके बारे में सच या झूठ जानना बहुत ज़रूरी है। ये बिना वजह बिना जानते हुए कुछ लोग जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे ग्रुप में, और फिर पैनिक सिचुएशन वहाँ पे तैयार हो जाती है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एडवाइजरीज भी जारी किए थे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, हर एक एडमिन को हमने नोटिस इशू किए थे कि आपको खुद को ग्रुप के ऊपर नज़र रखनी है, और ऐसे बिना वजह फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेजेस को आपको तुरंत उसके खिलाफ़ एक्शन लेनी है, ये हमने बताया था। थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया, लेकिन लोगों से यही अपील है हमारी कि जितने भी मैसेजेस आपको प्राप्त होते हैं उसकी जानकारी पहले खुद ले लो, वो सच है या झूठ है उसके बारे में जानकारी लो, तभी फिर उसको आगे फॉरवर्ड करो। तो किस तरीके के नंबर्स, मतलब क्या ऑफेंसेस कितने रजिस्टर हुए, किस टाइप के हैं? पिछले साल सन 2019 में अब तक, मतलब आज छठवां महीना चालू हो गया है, 5 महीने में, पहले 5 महीने में जो ओवरऑल ऑफेंसेस थे, तो पिछले साल के हिसाब से इस साल में 10% की बढ़ोतरी हो गई है यहाँ पे। मतलब पिछले साल अगर या एक टाइप के 30 ऑफेंसेस रजिस्टर थे, तो इस साल वो कम से कम 40 से 42 तक ऑफेंसेस जो है वो ज़्यादा हो गए, बढ़ोतरी है उसमें। किस टाइप के ऑफेंसेस? ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऑफेंसेस है। सोशल मीडिया पे जो डिफेमेस्ट्री मैसेजेस पोस्ट करना, या व्हाट्सएप हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, इस तरह के जो ऑफेंसेस है वो स्पेसिफिकली इस दौरान बढ़ गए हैं। पिछले 2-3 महीने का कुछ ट्रेंड है इसमें? हाँ, उसमें ये ट्रेंड है पिछले 2-3 महीने में, लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन फर्स्ट से लेके अभी तक व्हाट्सएप हैकिंग और फेसबुक हैकिंग के ऑफेंसेस जो है वो ज़्यादा हो गए थे। और स्पेसिफिक बोला जाए तो अभी राजकीय हालात जो है वो, उसके बारे में हम ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन उसका सहारा लेके जिसको कुछ पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं, ऐसे लोग भी अपना ज्ञान है जो इसके ऊपर प्रसारित कर देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बनो या और कोई सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह से बिना वजह समाज में एक तरह की कुछ अफवाह ऐसी फैल जाती है, और फिर वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके खिलाफ़ कंप्लेन करने को कहीं जाते हैं, पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो उसके खिलाफ़ एक्शन लेना ज़रूरी होता है।